दोस्तों जोहार। आज हम लोग बात करेंगे कि नियोजन नीति पर नया स्टंट। जैसा कि आप लोग सुने होंगे, कल जो है एगो ऑडियो वायरल हुआ। वो ऑडियो इतना लोगों को वह दिग्भ्रमित कर दिया सब, इतना कि वह इतना मेरे पास कॉल आने लगा और बोलने लगा लड़का लोग कि भैया ये क्या होगा, कब इसे देखिए ना ऑडियो क्या बोल रहा है हेमंत सोरेन जी, वो देखिए ना माननीय मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। हम बोले क्या हुआ, बोल सुनिए ना सुनिए ना। सबसे पहले आप लोगों को हम बता देते हैं कि आप लोग जो है क्रेडिट वाला आदमी का चीज सुना करिए। सबसे बड़ा बात पहले कहेंगे कि अलूल जलूल वीडियो देखिएगा तो सब वही हाल होगा, पगलाइएगा। ये कह दिया, ये कह दिया, इसने तीर मार दिया, इसने ये कर दिया, अब नियोजन नीति का एकदम कभी ये बहुत सारा चीज आपको दिग्भ्रमित करने वाला रहता है। इसलिए जो बढ़िया आदमी है ओकरे देखा कीजिए, अलूल जलूल का नहीं देखिए। और दूसरा बात बता रहे हैं कि उस ऑडियो में बोल दिया कि अभी हम छात्रों से जो है सो वो आपके पास कॉल जाएगा, छात्र जो है सो अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन हमारे पास तो नहीं आया, मेरे घर में 10 गो मोबाइल है, 10 मोबाइल पर नहीं आया। और छात्रों से पूछेंगे, अरे भैया छात्रों से क्या पूछोगे, क्या पूछोगे? जब 32 का आप घोषणा किए थे तब छात्रों से पूछे थे, आप जो 32 का घोषणा किए थे तब छात्रों से पूछे थे। अगर यदि उसी समय छात्रों को पूछ लिए होते और अगर यदि ऐसा होता तो अभी क्या परीक्षा रद्द करना पड़ता? ये चीज को तो समझ में आता नहीं है। ये चीज जो है अगर यदि ये गलत है तो खैर ठीक है, आप बढ़िया से नियोजन नीति बना करके दीजिए। और उसमें जो है यदि वो वाला ऑडियो सही है तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2016 का पहले क्या, 2016 का पहले 740 था, 740 रहेगा क्या? क्यों आपको जलन हो रहा है? अगर यदि वो इसका 16 का पहले का क्यों लेंगे? बेहतर नहीं है कि आप 1985 वाला वह रघुवर सरकार का लेंगे? क्यों लेंगे 2016 से? रघुवर सरकार का जो उन्होंने तो जिला को भी 100% के लिए वह ब्लॉक कर दिया था। आप जो समझ लीजिए, आप पूरे झारखंड को दूसरे राज्यों से नहीं कर पा सकते, वो आप ब्लॉक कर पा रहे हैं। 100% रिजर्वेशन आप अपने राज्य को नहीं दे पा रहे हैं। माननीय रघुवर दास जी ने तो हर एक जिला को 100% दे दिया, क्या कर लिया, क्या कर लिया? यही तो मैं कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय कलेजा लाइए, कलेजा। 100% हो सकता है, हो सकता है तो हो सकता है। क्या बोले ना कि माननीय रघुवर दास जी ने कहा कि 11 जिला और 13 जिला में बांटा, 13 जिला को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गया, सबका नौकरी तो हो गया, सबका नौकरी तो हो गया। आप भी करो, आप भी ऐसा करके जो है सो बोलो 100% झारखंडी, 100% झारखंडी कह दो, परीक्षा ले लो। 2-4 लोग 50-100 लोग बना ही लिया है बाहर का, अगर यदि तो उस पर तो हम कार्रवाई करेंगे अगर यदि गलत से बनाया है तो। लेकिन अगर यदि वो 2-4 के चलते हम 5-10 लाख वह झारखंडी छात्रों को वह जिंदगी नहीं बर्बाद करेंगे। सब लड़का तैयारी कर रहा है। ये बता रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय कोई ऐसा आदमी नहीं है जो आपको सही बोल रहा है। सिर्फ नौजवानों की बात मत करिए, नौजवान जुआ जो है सो तो बोलिए रहे हैं कि हमको नरक में पहुंचा दिया, ये 3.5 साल में हम लोगों को जिंदगी बर्बाद कर दिया, ये हम लोगों को बुढ़वा करके मरा देगा, ये हम लोग पढ़ते पढ़ते मर जाएंगे, ये हम लोग जिंदगी बर्बाद कर दिया, फार्म में 15 बार की भरते रह जाएंगे, 20 बार फार्म में भरती रह जाएंगे, इसको अंधेरा है, ये है, वो है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपको युवा तो दे ही रहा है गाली, अब युवाओं के परिवार के लोग, मैं बता रहा हूं आम आदमी जिसको कोई नौकरी चाकरी से मतलब नहीं है, वो भी बोलने लगा है कि एकरास कुछून होता हो, ये बेकार सरकार हो गया, ये बेकार सरकार हो गया, आम आदमी बोलने लगा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसे गुजारिश है कि आप जो है सो हम लोगों का नियुक्ति का बात करिए और सीधा नियोजन नीति जो आप बोले हैं 132 का लगा सकते हैं तो लगाइए, नहीं तो 85 वाला स्वीकार करिए।